दोस्तों आज का वीडियो 2-3 मिनट का है, लेकिन इसमें आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। तो जैसे कि आपको पता है, अगर आपके पास कोई भी BS6 बाइक आ जाती है हीरो की, तो जैसे कि ये मेरे पास हीरो स्प्लेंडर प्लस BS6 है FI मॉडल, या फिर जैसे कि आपके पास HF डिलक्स आ जाती है, पैशन प्रो, ग्लैमर, सुपर स्प्लेंडर, ग्लैमर एक्सटेक वगैरह, कोई भी, चाहे वो न्यू मॉडल अभी हाल ही में क्यों ना लॉन्च हुई हो, तो ऐसे में होता क्या है, जो इसका ये मीटर कंसोल होता है, तो यहाँ पर इसके अंदर जो यहाँ पर ये मीटर बल्ब होते हैं, अब यहाँ पर इसके अंदर दो तरह के मीटर बल्ब आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये हमारे पास सिंपल मीटर है, इसके अंदर आपको यहाँ पर ये सिंपल हैलोजन बल्ब मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जैसे कि ये साइड स्टैंड इस बाइक में लगा हुआ है, जिनके अंदर ये सेंसर लगा है, जब साइड स्टैंड लग जाएगा तो ऐसे में आपको ऊपर एक इंडिकेटर जलता हुआ दिखाई देगा, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि इसका जो है साइड स्टैंड लगा हुआ है, तो ये इसका मतलब होता है। अब यहाँ पर ये जो इसका साइड स्टैंड लगा होता है ना, यहाँ पर ये सेंसर लगा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी बात, जो यहाँ पर ये इसका दूसरी साइड वाला बल्ब है, ये येलो रंग का होता है, और जो साइड स्टैंड का होता है वो रेड रंग का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चेक इंजन लाइट का होता है, जो ऊपर चेक इंजन लाइट हमें दिखाई देती है। अब यहाँ पर जैसे कि 2 मीटर मैंने बता दिए, उसके अंदर आपको यहाँ पर हैलोजन बल्ब और यहाँ पर ये LED बल्ब देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, जो ये LED बल्ब होते हैं, या तो आपको डिजिटल मीटर में देखने को मिलेंगे, या फिर जैसे कि हमारी स्प्लेंडर XTEC आ गई है उसमें देखने को मिलेंगे। अब ये दोस्तों LED बल्ब जो होते हैं उन्हीं बाइक में देखने को मिलते हैं जो यहाँ पर ये 12 वोल्ट की सप्लाई से चलते हों, ठीक है। हैलोजन यहाँ पर जो है इसी सप्लाई पर चलता है, लेकिन जो ये LED बल्ब होते हैं ये यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई से चलते हैं। तो अब यहाँ पर इनको देने का क्या रीज़न है, अब यहाँ पर देखिए, जो इसमें ये रेड है ये हो गया साइड स्टैंड सेंसर का, और जो इसमें ये येलो होता है, वाइट रंग का जो आप देख रहे हैं ये येलो जलेगा, तो ये होता है इसमें चेक इंजन लाइट का। अब यहाँ पर जैसे कि ये इसमें हैलोजन बल्ब लगे हैं, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा वाट लेते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर आपने लोकल डाल दिया तो वो तो जलेगा ही, तो ऐसे में होता क्या है, ये अल्टरनेटर करंट पर चलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसका साइड स्टैंड का सेंसर होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, जिसके चलते वहाँ से जब उसको हम बाईपास करते हैं, जब मान लो हमने साइड स्टैंड को लगा दिया, तो ऐसे में जब उससे आगे सिग्नल निकलेगा तो वो वहाँ पर जो है सिर्फ जो इससे वोल्टेज निकलेगी वो LED बल्ब को ही जला पाएगी, ना कि हैलोजन बल्ब को। अब हैलोजन बल्ब अगर मान लो उस पर लगा देते हैं तो ऐसे में आपका साइड स्टैंड का सेंसर खराब हो जाएगा, ये आपने याद रखना है, ये इसका पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट ये है, मान लो कभी आपके पास हीरो की कोई भी बाइक आ जाती है और उसका मान लो चेक इंजन लाइट का बल्ब आपके पास आ गया कोई, और वो फ्यूज है, ठीक है। तो ऐसे में आपने करना क्या है, यहाँ पर गलती से भी इसमें जो है हैलोजन बल्ब आपने नहीं डालना, तो इससे होगा क्या, इशू मान लो जो कम वोल्टेज की सप्लाई आगे भेजता है, ठीक है, वो जो LED बल्ब होता है वो उसको जलाने के लिए, तो ऐसे में LED बल्ब तो जल जाएगा, चाहे उसके अंदर काफ़ी करंट कम क्यों ना हो, वो तब भी जल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो ये हैलोजन बल्ब होता है ये बहुत ज़्यादा वाट लेगा, तो जिसके चलते होता क्या है, आपका इससे जो है ECM खराब हो सकता है, ठीक है, ये आपने इसमें याद रखना है, ECM खराब हो जाएगा या वो शॉर्ट भी हो सकता है, कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये इसमें 2 बातों का आपने विशेष ध्यान रखना है, अगर आपके पास कभी स्प्लेंडर प्लस XTEC आ जाए, या कभी आपके पास स्प्लेंडर प्लस बाइक आ जाए, हीरो की HF डिलक्स आ जाए, ग्लैमर सुपर स्प्लेंडर वगैरह, जिनके अंदर ये चेक इंजन लाइट या फिर साइड स्टैंड सेंसर का जो ये जो ऊपर ये LED बल्ब होता है अगर ये फ्यूज हो जाता है, तो आपने यहाँ पर गलती से भी जो है ये हैलोजन बल्ब नहीं डालना, जिससे आपका साइड स्टैंड सेंसर भी खराब ना हो और ईश्यू भी खराब ना हो, कभी आप चेक इंजन लाइट की जगह जो ये LED बल्ब है यहाँ पर ये हैलोजन बल्ब डाल देते हैं, तो यहाँ पर आपने इनका विशेष ध्यान रखना है। तो ये एक छोटी ही जानकारी थी जो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताना चाहिए। अब दोस्तों वीडियो के बीच में मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जैसे कि ये मेरे पास शॉप मैन वाला है होंडा की बाइक की, ठीक है, होंडा SP125 शाइन डीओ यूनिकॉर्न एक्टिव 125 होंडा CD110 और मेरे पास 1-2 बाइक और है उन सब की, ठीक है। तो यहां पर अगर आप एक मैकेनिक है तो यहां पर आप जो है जो ये शॉप मैनुअल बुक होती है इन सब की PDF मुझसे ले सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर इसकी तो PDF आपको मिलेगी ही, साथ में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर जो ये इसका वायरिंग डायग्राम का पेज होता है इसकी भी आपको मैं जो हूँ ये वायरिंग डायग्राम का पेज का PDF दे सकता हूँ, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी इसमें जानकारी मिलेगी। अब यहाँ पर मैं आपका एक सवाल का जवाब दे दूँ, मुझे बहुत सारे मैकेनिक भाइयों ने एक सवाल पूछा है, क्या सर यहाँ पर जो ये स्टार्टर चार्जिंग रिले होता है क्या ये बैटरी को चार्जिंग का काम करता है? जी नहीं दोस्तों, ये बैटरी चार्जिंग का काम नहीं करता। अब यहाँ पर ये जो इसमें स्टार्टर चार्जिंग रिले होता है ये बाईपास करने का काम करता है, मैं आपको ये इसमें जो दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर आपका डाउट किस तरीके से दूर होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये SP125 है, अब इसके अंदर जो ECM लगा है और वहाँ पर एक चार्जिंग
रिले भी लगा है, ठीक है। अब उसके अंदर जो ये वायरिंग डायग्राम का पेज निकलता है, अब मैं आपको इसमें थोड़ा क्लियर दिखा दूं ताकि आपका यहाँ पर एक डाउट दूर हो जाए। तो अब यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास होंडा SP 125 का है, ठीक है। इसके अंदर भी आपको यहाँ पर जो है, मैं आपको दिखा दूँ, ये स्टार्टर चार्जिंग रिले लगा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये थोड़ी हो गया कि ये चार्जिंग काम कर रहा है, तो ये काम कब करता है, यहाँ पर जो ये इसका अल्टरनेटर होता है, यहाँ से सप्लाई जाती है सीधी, जो यहाँ पर ये हमारा इसका ECM होता है, यहाँ पर इसके अंदर ही एक चार्जिंग बना होता है, ठीक है। इसके अंदर जो यहाँ पर ये डायोड वगैरह लगे होते हैं, तो वो सप्लाई निकालेगा यहाँ पर। अब ये सप्लाई होगी क्या, यहाँ पर जब बाइक स्टार्ट होगी तो यहाँ पर ये रिले कट मारेगा, तब यहाँ पर बैटरी पर जो है ये 12 वोल्ट की सप्लाई जाएगी, ये इसका काम होता है। यहाँ पर फ़र्क ये है, जैसे कि हमारी दूसरी नॉर्मल बाइक होती है, वहाँ पर होता क्या है, जब अल्टरनेटर काम करता है तो वहाँ से सीधा रेक्टिफायर पर कट जाता है और रेक्टिफायर डायरेक्ट बैटरी पर सप्लाई देता है, और एक तार जो होती है वो इसके मेन इग्निशन स्विच पर चली जाती है, ठीक है, वो इसका काम होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो है, जो यहाँ पर ये स्टार्टर चार्जिंग रिले, ये यहाँ से बाईपास होके जो है सप्लाई निकालेगा बैटरी पर, ये इसका काम होता है। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपका जो ये सवाल था इसका आपको जवाब मिल गया होगा। तो यहाँ पर जो भी ये इन्फॉर्मेशन होती है ना, तो यहाँ पर ये वायरिंग डायग्राम का जो PDF पेज होता है ना, यहाँ पर इसके माध्यम से हम आसानी से किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं। तो ये एक छोटी ही जानकारी थी दोस्तों इस वीडियो में, जो मैंने आज आपको वीडियो में दिखा दी है, जो ऊपर LED बल्ब होते हैं उनके बारे में, और यहाँ पर जो ये स्टार्टर रिले होता है इसके बारे में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर आप इन सबको परचेज करना चाहते हैं तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, या फिर मुझे फेसबुक पेज पर, या आप अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, तो मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों, ये एक छोटी ही जानकारी थी जो आज मैंने आपको इस वीडियो में शेयर की। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।